हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, लास्ट सेशन जो डीएस का था उसमें आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे वीडियो के कमेंट भी आए मेरे पास, बहुत पसंद किया आपने। लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया डीएस का कि डीएस कॉन्सेप्ट है क्या। आप ये भी समझ गए कि डीएस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम क्या क्या फ़ायदा कर सकते हैं। आज के सेशन में और आगे वाले सेशंस में हम ये देखेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वो हमें इंस्पेक्टर बनाने के लिए कैसे कामयाब है, यानी हम इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे अगर हम इसे समझते हैं। तो देखिए, जो भी बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं आज वाली, वो पहले कोशिश करें लास्ट वीडियो देखने की, क्योंकि जब तक आप वो कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आपको ये वीडियो नहीं समझ आएगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि डीएस क्या होता है, डिजिटल सम। डीएस के अंदर हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सब पे काम किया। डिवीजन एक खास कॉन्सेप्ट है डीएस के अंदर जो हमें काफ़ी जगह हेल्पफुल होता है। एक बार देख लेते हैं, देखिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ डिवीजन पे बेस ही। डिवीजन पे बेस लास्ट क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है और क्वेश्चन भी डिस्कस करें एक आध। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए, कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा कि डीएस आप कैसे कैसे एक कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, मैं बार बार जो बोलता हूँ ना कि ये बात कि भाई आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन के लिए कुछ एक काम आपको अलग ज़रूर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए, आप बनाए जा रहे हैं उसे, बनाए जा रहे हैं। अब जैसे आपने डीएस का कॉन्सेप्ट देखा, अब कई बच्चों की ये प्रॉब्लम भी आई कि सर कई जगह हमें ऐसा हुआ कि कई जगह दो ऑप्शन एक जैसे मिल गए। मैं आपसे ये बात बोलता हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार करिए, डीएस कॉन्सेप्ट जाएगा, डीएस की काफ़ी सारी वीडियोस जाएंगी, फिर एमजी कॉन्सेप्ट भी आएगा। जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है ना वो आगे के सभी सेशंस में दूर होती रहेंगी। पर आप ये ज़रूर समझिए कि भाई जो हमने अभी तक पढ़ा कि उससे आपका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, और आप ये देखिए इससे आपका फ़ायदा कितना बड़ा हो सकता है। पहला क्वेश्चन देखता हूं मैं अगर ये वाला। देखिए, पाँच और चार नौ हो गया, नौ को आप जीरो मानते हैं, तीन और दो पाँच हो गया। अगर मैं ऊपर वाले के अंकों का योग देखता हूं तो ये भी पाँच हो गया। जब नीचे पाँच होता है तो दो से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, और नीचे वाले को भूल जाते हैं, तो पाँच दूनी दस यानी एक आ गया। तो जिसके अंकों का योग एक होगा, ये नौ हो गया, ये एक हो गया, ये आठ, ये चार, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। यानी मैंने एक्चुअल काम नहीं किया इसके अंदर, मैंने केवल डायरेक्ट देखा कि भाई ऊपर वाले के अंकों का योग क्या है, नीचे वाले के अंकों का योग क्या है, और आंसर आपका डायरेक्ट आपके सामने था। इसी टाइप का कुछ एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी लिया था। अब बढ़ते हैं इससे आगे। देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली इसलिए लिया गया कि आपको ये बात समझ आ जाए, दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल। आपको एक चीज लिखवाई थी मैंने, अगर नीचे एक आता है तो कोई मतलब नहीं है, अगर नीचे पांच आता है तो दो से गुणा करेंगे, दो आता है तो पांच से गुणा करेंगे, सात आता है तो चार से गुणा करेंगे, चार आता है तो सात से, आठ आता है तो आठ से। ऐसा इसलिए, आपको ये भी बताया था अगर नीचे पाँच आ जाएगा दो से गुणा करेंगे तो नीचे दस बन जाएगा, दस का मतलब ये वैसा ही बन जाएगा एक जैसा, तो इसलिए जो इसके अंकों का योग होगा उसे दो से गुणा कर देंगे। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और बताई थी कि भाई क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर पार्ट में कभी आपको तीन छः या नौ नहीं मिलेगा। मैंने एक बात बोली थी आपको कि ये नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब ये है कि अगर आप 100 क्वेश्चन करेंगे 100 में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। और उसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर 3 और 6
से मैं रब कर देता हूं कि अगर डिनोमिनेटर पार्ट में तीन या छह है तो आप तीन से भाग कर दीजिए ऊपर और नीचे, और भाग करना है हमेशा डीएस लेने से पहले। अगर नीचे 9 आता है तो ऊपर नीचे 9 से भाग कर दीजिए। देखिए अगर 3 आता है तो ऊपर नीचे 3 से भाग करना है, और ऐसा करने से क्या होगा, नीचे वाले पार्ट से 3 हट जाएगा। और अगर 3 नहीं हटता है तो इस केस के अंदर आपका आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, यानी एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। 3 हट जाएगा तो आंसर एक्यूरेट आएगा, ऐसे यहां पर है 9 हट सकता है या 9 नहीं हट सकता। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे कोई नंबर लिखा है यहां पर x, यहां 81 है, 81 छोड़िए 27 है। अब मैं अगर इसे 9 से काटता हूं, आपने देखा ऊपर कुछ y आ गया और नीचे आ गया 3। अब अगर ये y 3 से भाग नहीं होगा तो आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा। अगर y 3 से भाग नहीं होगा और अगर हो जाएगा तो दोबारा से आपको 3 से काटना है ऊपर नीचे और आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये बेसिक रूल होता है डीएस इन डिवीजन का। देखिए डीएस में मैं बोलता हूं कि पीएचडी ही लगभग करी है डीएस के कांसेप्ट का, मैंने रिसर्च में काम किया था काफी, और मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने रिसर्च करी कि भाई इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा यूज हो सकता है, और मेरे पास सिलेक्शन में मैंने बहुत ज्यादा यूज किया। तो आप देखते हैं कि आगे वाले क्वेश्चन जो है 17 मेंस वगैरह के, उसके अंदर भी मैं डीएस कैसे लगाता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको, और वीडियो को बार बार आप पॉज करके देखिए, चीजों को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं एक, क्वेश्चन है हमारे सामने ये, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और ये आपको सॉल्व करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर सबसे पहले आपको जो चीज देखनी है वो देखनी है कि डिवाइड करते वक्त नीचे 3 या 9 तो नहीं आ रहा, 3 6 या 9, आपने देखा ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, बचा क्या 3। अब अगर आपको ये पता लग गया कि इसके अंकों का योग 3 बच गया, अब आपको बताया गया कि अगर 3 बचता है तो दो केस हो सकते हैं, आप 3 से भाग करिए ऊपर नीचे। अगर मैं 3 से भाग करता हूं ऊपर नीचे, यहां पर मैं 3 से भाग करता हूं, डेसिमल वाला पार्ट मैंने हटा दिया है, डेसिमल से आपको पता है डीएस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, तो इसलिए डेसिमल को लेने की जरूरत भी नहीं है। अब मैंने देखा कि इसके अंदर तो 3 नहीं आ रहा, ये कितना हो गया 3 2 5 और 2 7, ये मैंने देखा कितना हो गया ये 5। अब देखिए यहां से 3 हट गया, अगर 3 हट गया तो आंसर एक्यूरेट, और अगर 3 नहीं हटता तो फिर से आप 3 से डिवाइड करते, और अगर नहीं कटता तो अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है आपको, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं 7 है, ये 5 है, 4 से गुणा किया, 5 चौक 20 यानी 2, जिसके अंकों का योग 2 होगा, 5 3 8 और 1 9 और 1 10 2 9 1, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए
बहुत ही मामूली सी चीज है, बहुत ध्यान से समझनी है, हमारे बहुत ज्यादा काम की है। देखिए जो बच्चे कहते हैं ना पेपर में टाइम कैलकुलेशन में निकल गया, काटे जा रहे हैं ऊपर नीचे, उनके लिए एक रामबाण है ये, मेरे लिए भी रामबाण की तरह सिद्ध हुआ है ये। डीएस का कॉन्सेप्ट और एमजी कॉन्सेप्ट दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो गया तो आप बहुत सारी चीजें जान जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है जिसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। डीएस का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई चारा नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे एग्जाम में काफी ज्यादा समय लग जाएगा, तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं ऐसे बहुत सारी जगह आपको ये लगेगा कि इसमें कैलकुलेशन में हमें टाइम लग गया, तो डीएस का रूल इसलिए बनाया गया। और डीएस का कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने रिसर्च किया डीएस पे, उसका फायदा यही रहा कि एमसीक्यूज में मैं उसे बहुत सारी जगह इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं देखता हूँ अंकों का योग, इसके अंकों का योग 6 हो गया, इसके अंकों का योग 7, 6, 13 यानी 4, नीचे 19 का मतलब 1 हो गया, इसके अंकों का योग 1 हो गया, क्योंकि 9 को तो हम 0 मान लेते हैं और 1 बना देते हैं। अब आपने देखा 6 चौक 24 यानी 6 6 माइनस 1 इक्वस टू क्वेश्चन मार्क, यानी ये 5 आ गया। जिसके अंकों का योग 5 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये आपने देखा 8 7 4 11 और 1 12 यानी 3, ये 13 यानी 4, ये आपका 5 हो गया, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कल्पना करने वाली बात है, कई बच्चे सोच भी नहीं सकते कि अंकों का योग करके कभी कोई आंसर भी निकाल सकता है। और ये सारी चीज़ें देखिए सेल्फ जनरेटेड हैं, ऐसा नहीं है किसी किताब में छपी हैं आपको वहाँ से पढ़ना है या वहाँ से डिटेल में लिखा हुआ है। मैं इस कॉन्सेप्ट को मेंसुरेशन तक मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि मेंसुरेशन में आपको इसे किस तरीके से काम करना है। तो देखिए लास्ट तक आपको डीएस की सीरीज पूरी देखनी है, अगर आपने डीएस की सीरीज पूरी देख ली तो आप समझ जाएंगे कि डीएस मेरे लिए कितने काम की चीज़ है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ। अगर आपको समझ नहीं भी आया है तो बाई चांस तो आप दोबारा से पॉज कर करके वीडियो को देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यह आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल 17 मेंस। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, अगर आप देखते हैं, हाँ सेम ही क्वेश्चन है। अगर आप देखते हैं क्वेश्चन ये लिखा है, अब अगर मैं बोलता हूँ कि आपको डीएस नहीं पता है, आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर आप निकाल के देखेंगे इंडिविजुअली वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, फिर इंडिविजुअली ये वाली निकालनी पड़ेगी, फिर सबको ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको आंसर निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन 17 मेंस का ही है। 17 मेंस के क्वेश्चन आगे देखेंगे कि काफ़ी सारी जगह जहाँ कैलकुलेशन आप देखते हैं ना कि इतने बड़े बड़े नंबर आ गए, पूरी कैलकुलेशन क्यों करी जाए यार, मैं नहीं करता पूरी कैलकुलेशन क्योंकि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो मुझे ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ मैं अपना वक्त बचा सकता हूँ। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, देखिए आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आंसर अब तक निकाल भी लिया होगा, और वो वही बच्चे होंगे जो डीएस समझ चुके होंगे, और अगर डीएस नहीं समझा है तो आपको वो निकालना ही पड़ेगा। आपने देखा इसके अंकों का योग 1, 1, 1,
अब मैं इसके अंकों का योग देखता हूँ, देखिए तो 9 हो गया, ये 9 हो गया, क्योंकि 3 है 3 है। जब अंकों का योग निकालते हैं तो डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ये भी 9 हो गया, ये भी 9, यानी ये 0 हो गया, बचा 3। तो m प्लस n अगर आप करेंगे तो अंकों का योग कितना आ जाएगा, 6। चेक करता हूँ मैं ऑप्शन से, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। पहला ऑप्शन मेरा सीधा ही आंसर हो जाएगा, और इसके लिए मुझे लिखना नहीं पड़ा। डीएस की सबसे खास बात यही रहती है कि इसके लिए आपको लिखना नहीं पड़ता। अगर एक बार आप कमांड कर लेते हैं तो चीज़ें बहुत आराम से स्मूथली आप सीधा सीधा कर सकते हैं। जैसे मेरे सामने क्वेश्चन आया, अंकों का योग 3 3 6, 6 किसका है, 1 का है, ए आंसर हो गया, तो मुश्किल से मैं मानता हूँ 10 सेकेंड लगेंगे आपको इसे सॉल्व करने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी 17 में इसका ही क्वेश्चन है। यदि a का मान दे रखा है आपको, देखिए आप ये देखेंगे धीरे धीरे करके कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। धीरे धीरे करके मैं आपको सभी वैरायटी के क्वेश्चन दिखाऊंगा, और आप ये देखेंगे कि चाहे नंबर सिस्टम हो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, मेंसुरेशन, सब जगह आप ES का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ऑप्शन मैं लिख देता हूँ इसके, देखिए आपके सामने लिख दिया मैंने। हाँ, यही ऑप्शन है। अगर आप देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, अगेन आप ये सोच के देखिए, अगर डीएस आपके साथ नहीं है तो आपको तो सिर्फ बनाना ही आता है, आपसे बनाएंगे ही पेपर में जाके, और आंसर उससे निकालना ही पड़ेगा। मैं आपको क्लास, देखिए जो बच्चे क्लास करते हैं या फिर आप जो यूट्यूब में पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, कैलकुलेशन क्या है, तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल कोई एक चीज़ पता है, खाली आप ऑप्शन के भरोसे नहीं बैठ सकते, खाली कॉन्सेप्ट के भरोसे नहीं बैठ सकते, सब चीज़ों को मिला के चलना। सात आ गया जो भी इसका आंसर होगा, और ऐसा कितनी बार है, ऐसा है 8 बार, तो 7 8 56 56, यानी 2, तो जिसके अंकों का योग 2 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं देखता हूँ 9 9 9 9, 5 बच गया, 7 7 7 7, 7 5 35, 7 4 28 और 5 33, यानी 6 हो गया। आगे देखता हूँ, 9 हो गया, 7 6 42, 5 47, 2 हो गया। इधर देखता हूँ, 5 7 35, 5 40 और 2 42, यानी 6 हो गया। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हम ये भी देखेंगे, डीएस हो गया, एमजी कॉन्सेप्ट हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, लास्ट डिजिट हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, डेसिमल का कॉन्सेप्ट हो गया, लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन को हल्की करने के लिए, इन सभी पे वीडियो आएगा आने वाले टाइम में, तो आप कोशिश करिए जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ डेली बेसिस पे जरूर लगाइए। तो देखिए हमने सीधा सीधा देखा, ये 7 आ गया, 7 8 56 56, यानी 2, सीधा दिमाग में आ जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 2 बन रहा है, सी ऑप्शन ऐसा है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये भी 17 में इसका ही क्वेश्चन है, डिपेंड करता है बच्चे पे कि वो किस तरीके से सॉल्व करता है। ये क्वेश्चन भी आपका 17 में इसका है,
और अच्छे क्वेश्चन में से है ये। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अब या तो जी ये कर लीजिए कि भाई मुझे इतनी बड़ी कैलकुलेशन ही करनी है पेपर में। अब ये क्वेश्चन कोई मैंने तो बनाई नहीं है, पेपर आए हुए हैं 17 मेंस के, ठीक है, 17 मेंस के छोड़िए 16 मेंस, 15 मेंस, 16 प्री, 15 प्री, 14 मेंस, 14 प्री, 13 मेंस, 13 प्री, मैं सभी के अंदर क्वेश्चन दिखा सकता हूँ आपको कि अगर मेथड पे कमांड है तो सब जगह ढूंढ लेंगे आपकी इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से लगाना है। और ये कोई जबरदस्ती वाला पार्ट नहीं है, आप बात समझिए, अदरवाइज क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे क्या इतनी बड़ी। आइए मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन को ध्यान से। अगर मैं 2 का क्यूब कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 15 का क्यूब। इसका मतलब ये हो गया बाहर अगर 8 है तो 1 से लेके 15 तक माइनस 1 से लेके 6 तक, ये आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब यही है, अगर मैं सॉल्व करता हूँ 15 इंटू 16 बटा 2, फॉर्मूला होता है हमारा एन एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 बटा 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए वही बच्चा जो सही दिशा में जा रहा है बिल्कुल, इस तरीके से उसने काम किया, अब यहां आके ना वो अटक गया। अब यहां तो भाई साहब उसे कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, और कैलकुलेशन इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि इस कैलकुलेशन के बारे में उसने तब नहीं सोचा जब वो डेली रूटीन में पढ़ाई कर रहा था। इन सारी चीजों के बारे में जब सोचना है, देखिए अगर आप सोच रहे हैं ना पेपर में 10 सेकंड में आंसर आ जाए, 10 सेकंड में आप डेली रूटीन में निकालेंगे तभी पेपर में 10 सेकंड में आंसर आ सकता है, ऐसा नहीं है कि पेपर में कोई चमत्कार हो जाएगा। तो बात को देखिए ध्यान से समझना है, अगर मैं देखता हूँ इस नंबर के अंदर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। इस नंबर के अंदर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, तो जो आंसर आएगा उसके अंकों का योग 9 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 9 किसका है, 5, 4, 9, 6, 3, 9, 8, ये भी 8, ये आप देखते हैं 5, 4, 9, 6, 2, 8 और 1, 9, ये 1 हो गया, 6, 3, 9, 7, 2, 9, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने कॉन्सेप्ट भूल गया और मैं सीधा सीधा डीएस लगा रहा हूँ ऑप्शन के साथ, कोई मजाक या कोई जादू कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट को साथ रख के कैलकुलेशन आसान कैसे करना है, यही डीएस का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं एक बार दोबारा से देख लेता हूँ, देखिए 2 का क्यूब आपने बाहर लिया, बचा 7 क्यूब से लेके 15 क्यूब, ये आपने फॉर्मूला बना लिया। अब क्योंकि इसके अंदर 3 आ रहा है, देखिए इसके अंकों का योग कितना हो गया, 6 हो गया, अगर आप स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। 36 का मतलब 9 तो आ ही गया ना उसके अंदर, और 9 अगर एक बार आ गया वो कभी भी नहीं जाता है, ये चीज़ आपने यहाँ पर देख ली। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 का मतलब 9 तो आ ही गया, और 9 अगर एक बार आ गया उसे आप किसी भी चीज़ से गुणा करें, किसी से भी भाग करें, 9 तो रहेगा ही रहेगा। तो आपने देखा कि अंकों के योग क्या होगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंकों का योग 9, इसके अंकों का योग 9, आंसर के अंकों का योग 9 होगा। तो वही चीज़ आपने ऑप्शन से चेक कर ली। तो देखिए आज के सेशन में मैंने कोशिश करी आपको 17 मेंस के कुछ एक बेसिक क्वेश्चन बताने की जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड थे, और साथ के साथ हमने डिवीजन का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा थोड़ा सा, कि थोड़ा सा और डिटेल में अगर जाएं तो चीज़ कैसे कैसे ब्रॉड हो सकती है। तो ये चीज़ आपको डेली रूटीन में लगानी है, और कोशिश करिए, देखिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और अपने लिए मैंने ये सोचा कि भाई आप लोगों के लिए एक चीज़ ऐसी लाई जाए जो मेरा पर्सनल सीक्रेट है वो आप लोगों के सामने रखा जाए। तो देखिए मेरा पर्सनल सीक्रेट है 5 सिलेक्शन का, डीएस का जो कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं और चीज़ें लेकर आऊँ, और भी सारी चीज़ें करूँ, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फैलाने की। जितने ज़्यादा बच्चे जानेंगे कम से कम मेरा एक पर्पज़ तो फुलफिल हो जाएगा कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखा पाया इस कॉन्सेप्ट को।
बाकी देखिए हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कोई कितना सीखता है, कोई कितना सीखता है। हर बच्चा लगा भी नहीं सकता और हर बच्चा ऐसा भी नहीं है कि 100 क्वेश्चन कर जाएगा डीएस से। तो डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट पर कि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, डेली रूटीन में आप अच्छे से लगा रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा डीएस लगाने से। मेरे सामने पेपर रखिए, देखिए मैं डीएस से कितने क्वेश्चन उड़ा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पर आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप डीएस सीख रहे हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत हल्का होता जा रहा है। यानी हल्के का मतलब है कि उसके अंदर समय जो है बहुत कम लग रहा है अब आपका। यानी आप देखेंगे जो आपने सपने देखे ना 10 सेकेंड 5 सेकेंड के, वो ये पूरे करा देगा। तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे और नेक्स्ट सेशन में थोड़ा और ब्रॉड जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और देखेंगे। कोशिश करूंगा CISI के भी क्वेश्चन आपको सिखाने की। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।